इंसान एक बदलता पुतला है, बदलते रहता है हमेशा, जैसे संसार पूरा बदलता है, कभी सुबह कभी दोपहर कभी शाम कभी इस वक्त कभी उस वक्त, कभी सर्दी कभी कभी बारिश कभी ठंडी, वैसे इंसान भी बदलते रहता है। लेकिन जो इंसान ना बदले, जो अपने वसूलों पे टिका रहे, वही सच्चा इंसान होता है। इसीलिए संसार बदलता है लेकिन इंसान को नहीं बदलना चाहिए अपने इसके बदलाव के हिसाब से। देखिए, एक डायरेक्टर ऐसे है जिन्होंने पहले जब सुशांत सिंह राजपूत गए थे, जब उसके बाद 3 साल तक तो 3.5 साल तक ऐसी ऐसी बातें की इस बारे में, और अब बहुत बड़ा खुलासा कर दिया और अब बताया कि नहीं, अब ऐसा नहीं है। किस बारे में बताया, कौन से डायरेक्टर ने बताया सुशांत सिंह राजपूत, ऐसा कौन सा राज खोला, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बस एक रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी 14 जून को बहुत ही बुरी तरह से हत्या की गई थी, जिसमें कई सारे नाम आए थे, बॉलीवुड के भी कुछ नाम थे, लेकिन बॉलीवुड के बहुत सारे लोग जिन्होंने सुशांत के साथ काम किया था, जो लोग अपने आप को उसके अच्छे दोस्त मानते थे, उन्होंने भी सुशांत के बारे में जस्टिस के लिए कुछ नहीं बोला, सिर्फ रेस्ट इन पीस लिख के बोला। और महेंद्र सिंह धोनी जैसे इंसान ने तो रेस्ट इन पीस भी नहीं लिखा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने रेस्ट इन पीस लिखा जो बॉलीवुड सुशांत के बहुत करीबी थी। ऐसे ही एक डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा, जो दिल बेचारा के डायरेक्टर थे सुशांत के साथ, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी जस्टिस के लिए कुछ नहीं बोला, लेकिन बाद में उन्होंने, उनको जब लगा कि नहीं अब मैं सुशांत के इस फिल्म का फायदा उठा सकता हूं, तो दिल बेचारा फिल्म का मैं रिमेक बनाऊंगा, ये उन्होंने बोल दिया, हर जगह जाके बोल दिया। लेकिन जब सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने कहा दिल बेचारा दोबारा बनेगी, तो वो फ्लॉप होगी क्योंकि उसमें सुशांत सिंह राजपूत नहीं है। जैसे कि पवित्र रिश्ता बनी हुई, तो सेम एक्टर वॉज देर, जैसे एकता कपूर थी, वो थी अंकिता लोखंडे थी, बाकी सारे लोग सेम टू सेम थे, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ना होने की वजह से पवित्र रिश्ता के कुछ एपिसोड बनके वो डब्बे में पड़ी रही, और एकता कपूर ने जितने पैसे सुशांत सिंह राजपूत के पवित्र रिश्ता में कमाए थे, उससे भी घाटे में ये पवित्र रिश्ता 2 चली गई। लेकिन ऐसे ही दिल बेचारा के डायरेक्टर डर गए और उन्होंने कहा कि ये पिक्चर में दिल बेचारा 2 अब बनाना नहीं चाहता हूं। और इसके बारे में एक्चुअली क्यों डर गए आपको समझ में आ गया, पिक्चर फ्लॉप होने वाली है, जैसे कि संदीप सिंह की पिक्चर फ्लॉप हो रही है, वैसे दिल बेचारा के डायरेक्टर ने कहा अब मैं दिल बेचारा 2 नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इसमें मेरे इमोशन जुड़े हैं और साथ ही साथ सुशांत के भी इमोशन जुड़े, तो ये दोबारा पिक्चर बना के मैं फ्लॉप नहीं करना चाहता, इसकी यादें मैं हिस्ट्री में ऐसे ही रखना चाहता हूं। इसका रीजन आपको क्या लगता है कि वाकई में मुकेश छाबड़ा ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए ऐसा बोला है, या फिर अपने फायदे के लिए जो बाकी लोग बोलते हैं अंकिता और वो सब, उसके लिए बोला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ ना है तो जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत लिखना ना भूले। थैंक यू सो मच मी, धन्यवाद।